हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेशमा बेगम है, मैं चादरघाट से रहने वाली हूँ। मेरे को एजेंट बोले कि वो बाहर गए तो अच्छा काम में पर तनख्वाह सैलरी सभी देते बोले। उनका नाम सत्तार है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, अंबरपेट में रहने वाले हैं। वो अच्छा ओमान में गए तो ऐसा नौकरी दिलाया कि 90 रियाल 100 रियाल की जगह 90 रियाल ही दे रहे थे। 3 घर काम कराते थे, रात के 1:30 रात तक 11:30 तक सोने को मिलता था, फिर 5 बजे उठ जाके बहुत तकलीफ होती थी। तबीयत खराब होने की वजह से मेरे शोहर को घर को फोन करे तो घर पे भी बच्चों की तबीयत भी अच्छी नहीं थी, मैं घर जाती हूँ बोले तो नहीं भेज रहे थे। ऐसे ही 8 महीने में कैसा भी करके गुजारी। फिर लेकिन मैं बोली कि मेरे को रिलीज़ दियो नहीं तो घर पर भी भेजोगे तो रिलीज़ करे। अगले घर भेजे तो वहाँ पर भी बहुत टॉर्चर करे, मेरा फ़ोन ले लिए, मेरे को मारे करे वहाँ पे भी, और सितम 3:30 तक हुशार रहना, फिर 5 बजे उठ जाना। ऐसे ही मैडम टॉर्चर कर रही थी, मार रही थी। फिर वहाँ से मेरे को हमारे घर वालों को बताने की वजह से फिर हमारे घर वाले अमजदुल्ला खान साहब कने गए थे, फिर सुषमा स्वराज कने कंप्लेन करे। उसके बाद मैं एम्बेसी गई, एम्बेसी शेटर में गए तो, और यहाँ से जबल वहाँ पर भी एम्बेसी शेटर में प्रॉब्लम्स क्लियर हुआ मेरे पे बहुत। वहाँ पे खाना नहीं रहता, साबुन शैम्पू तेल कुछ नहीं था, दवाखाने को भी नहीं लग जाते। 2 महीने तक तो गलत नंबर डायल करके ऐसा मेरे को अरबाब का गलत नंबर डायल करे, फिर मैं कंफर्म करी कि मेरा नंबर नहीं होता, मेरा अरबाब का नाम सुल्तान है ये करके बोले तो फिर सही नंबर डायल करके बुलाए। बुखार आ गए तो गले भी आ गए मेरे को तो भी नहीं ले गए। मैं रीटा मैडम को बोली भी थी मेरे स्टोन से गले, अब इंडिया ही जा रहे ना तुम, जाके वहीं से हो जाते, नहीं पैनेटोल गोली खा लो कम हो जाते। मेरे को अभी दर्द भी हो रहा है, फिर भी मैं हमारे घर की टिकट मेरे हस्बैंड लगा के टिकट बुला लिए, मैं ऐसा बोल के आ गए मेरी टिकट। मैं यहाँ प्लीज़ यहाँ पे किसी को मत भी जाने के लिए परमिशन दे रही हूँ। मेरी ये है गुजारिश कि कोई भी बाहर मत जाइए सबसे।